दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। धमकी देने के आरोप में किसने कुंवर सूरजपाल सिंह अम्मू के खिलाफ मामला दर्ज किया है, इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हरियाणा के एक बीजेपी नेता के खिलाफ मंगलवार को बॉलीवुड फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के सिर काटने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। नेता ने पद्मावती फिल्म के विवाद पर दोनों का सिर काटकर लाने वाले को 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। हरियाणा बीजेपी के मुख्य मीडिया कोऑर्डिनेटर कुंवर सूरजपाल सिंह अम्मू के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 29 पुलिस थाने में धारा 506 यानी कि आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये शिकायत दीपिका और भंसाली के एक प्रशंसक ने दर्ज कराई है। गुरुग्राम के चक्करपुर गांव के निवासी शिकायतकर्ता पवन कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि अम्मू के बयान से उसकी भावना बुरी तरह से आहत हुई है। पवन ने अपनी शिकायत में कहा है, मैंने देखा कि सूरजपाल फिल्म अभिनेत्री दीपिका और फिल्म निर्माता भंसाली के सिर काटने वाले को 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने दोनों को गंभीर दुष्परिणामों के लिए भी धमकी दी है। दीपिका और भंसाली की जिंदगी खतरे में है, कृपया सूरजपाल के खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं दूसरी तरफ सूरजपाल ने मंगलवार को हरियाणा पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर अड़ी गए, चाहे वे भारतीय जनता पार्टी में रहे या ना रहे। सूरजपाल ने कहा कि उन्होंने ये बयान बतौर एक राजपूत दिया है, न कि पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर। सूरजपाल ने कहा कि मैंने दीपिका और भंसाली के सिरों पर रकम को दोगुना 10 करोड़ रुपए कर दिया है और अभिनेता रणवीर सिंह को टांग तोड़ने की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन हम राजपूत राजाओं और रानियों की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने वाले किसी शख्स को माफ नहीं करेंगे। दीपिका हमारी बेटी की तरह है और उसे इस तरह के किरदार निभाने से दूर रहना चाहिए, जैसे उसने पद्मावती में निभाया है। तो दोस्तों, इस न्यूज के बारे में आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। आगे और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज सूत्र चैनल से। धन्यवाद।